हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में गाइस आपको पता चल ही गया होगा कि हम इसके अंदर फिट करने वाले हैं हमारे जो KTM RC है, जो कि है 2017 मॉडल, उसके अंदर 2019 मॉडल जो KTM RC 390 की जो बेली है वो फिट करने वाले हैं। सो चलिए फिट करते हैं। हे गाइस, तो ये रही हमारी बेली, सो जो कि मैंने ऑर्डर की थी KTM के शोरूम से, और ये वाली जो है आने में करीबन 2 महीने लग गए क्योंकि उनके जो शोरूम में अवेलेबल नहीं थी। सो ये वाली जो है मैंने उनको ऑर्डर दिया था और ये वाली जो बेली है वो फाइनली आ गई है। सो इसकी प्राइसिंग तो आपको पता ही होगी। सो अभी आपको दिखाते हैं कि बेली कैसी है। सो इस तरह का बॉक्स आता है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से पैकिंग करके आता है। तो ये रही हमारी बेली। सो इंस्टा पे तो बहुत ही महंगी बता रहे थे, पर आप शोरूम से लेंगे तो बहुत ही सस्ते में पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू इंस्टा। जो इंस्टा पे जो सेलर रहते हैं वो बहुत ही महंगे में बेचते हैं। सो ये रही वो बेली, और चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं हमारे KTM RC में। सो गाइस, ये रही हमारा टूल किट, और इससे हम पहले जो ये वाली जो हमारी जो पुरानी वाली जो बेली है उसको पहले ओपन करेंगे, और इसकी जो ग्रिल है वो इसमें लग जाएगी। सो इसकी जो पुरानी वाली ग्रिल तो लग जाएगी, सो इसको अभी इंस्टॉल करेंगे अभी इसको निकाल के। तो चलिए निकालते हैं ये पुरानी वाली बेली को। निकालने के लिए यहाँ पे जो है हमें जो एग्जॉस्ट है वो निकालना पड़ेगा। सो सबसे पहले इसको निकालते हैं, फिर हम बेली लगाएंगे। तो गाइस, जो है एग्जॉस्ट हमने निकाल लिया है, अभी जो बेली है उसको खोलते हैं और इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस, हमने इसके जो नट्स है वो निकाल लिए, तो अभी इसको निकालते हैं अभी। सो ये निकल गई है, और अभी इसकी जगह नए फिट करते हैं। तो गाइस, फाइनली हमने जो ये वाली जो बेली है वो इंस्टॉल कर ली है। हालांकि यहाँ पे जो है थोड़ी सी गैप, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी गैप है, बट कोई नहीं। और ये वाली जो बेली है वो एज़ कम्पेयर टू द जो पुरानी वाली है उससे बहुत ही ज़्यादा पतली है। सो फिर भी ये काफ़ी अच्छी लग रही है, ये वाला जो लुक है वो इसका काफ़ी अच्छा है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही।